गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नया जो चैप्टर है वो शुरू कर रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री का, एंड द टॉपिक इज मैटर अराउंड अस प्योर। सबसे पहले हम लोग को ये समझना है स्टूडेंट्स कि प्योरिटी का यहाँ क्या मतलब है, प्योरिटी का मतलब क्या होता है। प्योरिटी का मतलब जैसे अगर हम लोग बोलेंगे कि मिल्क प्योर है, हम लोग बोलते हैं शुद्ध तो दूध दिया गया है काफ़ी शुद्ध है, या घी जो है शुद्ध है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो हम लोग आम डेली लाइफ में जो वर्ड प्योर और इम्प्योर का मतलब है और यहाँ जो मतलब है, दोनों में डिफरेंस है। जैसे हम लोग यहाँ पे मिल्क को प्योर में नहीं रखेंगे, मिल्क जो है वो इम्प्योर में चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को ये समझना है कि साइंटिफिकली या केमिकली जब हम लोग बात करते हैं तो प्योर किसको बोलेंगे और इम्प्योर किसको बोलेंगे, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग मैटर को पढ़े थे, तो मैटर में जो हम लोग पढ़े थे तो आप लोग जानते होंगे कि मैटर को हम लोग कैसे क्लासिफाई किए थे। मैटर को क्लासिफाई किए थे सॉलिड, लिक्विड और गैस में, सॉलिड लिक्विड और गैस में हम लोग उसको क्लासिफाई किए थे। बट वो जो क्लासिफिकेशन था वो क्लासिफिकेशन आपका उसके फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंगली था। फिजिकल स्टेट के मतलब जैसे सॉलिड ठोस है, लिक्विड फ्लो कर सकता है, उसका स्टेट वैसा है, उसके फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्थिति के अकॉर्डिंगली हम लोग वहाँ पर क्लासिफाई किए थे, ठीक है। बट यहाँ पे जो मैटर को क्लासिफाई किया गया है वो केमिकल क्लासिफिकेशन आप लोग बोल सकते हैं। जैसे मैटर या तो प्योर होगा या तो मैटर इम्प्योर होगा, ठीक है। जो प्योर मैटर होगा दैट विल बी अ एलिमेंट और इट विल बी अ कंपाउंड, और जो इम्प्योर मैटर होगा इट विल बी अ मिक्सचर। तो अब सवाल ये आता है प्योर किसको बोलेंगे, तो प्योर हम लोग बोल सकते हैं मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस वो बना हुआ है, एक ही काइंड ऑफ सब्सटेंस अगर वो बना हुआ है तो उसको हम या वन काइंड ऑफ पार्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, वन काइंड ऑफ पार्टिकल से अगर वो बना हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो प्योर है, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, एक ही तरह का पार्टिकल इसमें रहेगा तो वो प्योर कहलाता है, ठीक है। और इम्प्योर किसको बोलेंगे, इम्प्योर बोलेंगे मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, दो से ज्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल्स से अगर बना हुआ रहेगा तो उसको हम लोग इम्प्योर बोलेंगे, ठीक है। प्योर किसको बोलेंगे, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जिसमें एक ही तरह का पार्टिकल रहेगा उसको प्योर बोलेंगे, और इसमें दो या दो से ज्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल्स रहेगा उसको हम लोग इम्प्योर बोलेंगे, ठीक है। तो प्योर का कैटेगरी में जैसे क्या क्या प्योर आप बोल सकते हैं, प्योर आप किसको बोल सकते हैं, प्योर आप ऑक्सीजन को बोल सकते हैं, ओके, प्योर आप कॉपर को बोल सकते हैं, ओके ये प्योर हो गया, प्योर आप वाटर को बोल सकते हैं कि ये प्योर है, कैसे है ये हम आप लोग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे इम्प्योर में अगर हम लोग आते हैं तो इम्प्योर हम लोग कैसे बोलेंगे, जैसे मिल्क हो गया, मिल्क आपका इम्प्योर कैटेगरी में आ गया, टी चाय इम्प्योर कैटेगरी में आ गया, एयर ये भी इम्प्योर कैटेगरी में आ गया क्योंकि ये सब मिक्सचर है, ओके। और ऑक्सीजन, कॉपर, वाटर ये सब जो हम लोग बोल रहे हैं इम्प्योर है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से ही बना हुआ है और ये दो या दो से ज्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब प्योर में जो हम लोग क्लासीफाई करते हैं, जैसे ऑक्सीजन को आप लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन को आप बोल सकते हैं ये एक एलिमेंट, आप जानते हैं ऑक्सीजन एक एलिमेंट होता है, ठीक है, ओके। आप कॉपर को अगर बोलते हैं तो कॉपर क्या है, कॉपर भी आपका एक एलिमेंट है, कॉपर भी क्या है एक एलिमेंट, ठीक है, ओके। और वाटर क्या है, वाटर जो है वो एक मॉलिक्यूल है, वाटर जो है वो एक मॉलिक्यूल है,
या एक कंपाउंड भी आप उसको बोल सकते हैं, बट एक्चुअली में हम उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। वाटर जो है एक मॉलिक्यूल है, जैसे ऑक्सीजन तो O2, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन का ही पार्टिकल मिलेगा, दूसरा किसी चीज का पार्टिकल नहीं मिलेगा। कॉपर Cu, इसमें सिर्फ कॉपर का ही पार्टिकल मिलेगा। लेकिन वाटर में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें हम जब लिखेंगे वाटर H2O, तो आप बोलिएगा सर इसमें हाइड्रोजन का भी पार्टिकल है और ऑक्सीजन का भी पार्टिकल है, तो ये प्योर कैसे हुआ? देखिए, अगर आप तीन अलग अलग सोर्स है, मान लीजिए कोई एक सोर्स है सी से आप पानी लाए, कोई आप सोर्स है मान लीजिए डिस्टिल वाटर है, प्योर वाटर है डिस्टिल वाटर है, या टैप वाटर है, रेन वाटर है डिस्टिल वाटर है, ठीक है, कहीं से भी पानी लाएंगे, टैप वाटर कभी ले सकते हैं आप, दूसरा कहीं से भी आप पानी लीजिएगा, तो उस हरे पानी में H2O ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक पानी में जो पार्टिकल है मेरा, वह दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही है, चाहे वो पानी कहीं का भी पानी हो, उसमें हाइड्रोजन दो और एक ऑक्सीजन का एटम है और वो वाटर कहलाता है, ठीक है, उसमें कोई और पार्टिकल नहीं है, इन दोनों के अलावा उसमें और कोई पार्टिकल, अलग पार्टिकल नहीं आएगा। आप कहीं का भी पानी ले लें तो उसमें आपको क्या मिलेगा, आप कहीं का भी वाटर लेंगे तो आपको एक ऑक्सीजन मिलेगा और उस ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन बाउंडेड रहेगा, कहीं का भी पानी ले, इसीलिए प्योर के कैटेगरी में आता है। बात समझ में आ रहा है, ये प्योर के कैटेगरी में क्यों आता है? जैसे अगर हम इम्प्योर का बात करेंगे, जैसे मिल्क आप बात करते हैं, तो मिल्क में आपका जैसे मिल्क इम्प्योर क्यों है? जैसे मिल्क का अगर हम बात करें तो मिल्क इम्प्योर क्यों है? क्योंकि मिल्क में वाटर भी होता है, ओके, उसमें फैट भी होता है, ओके, उसमें प्रोटीन भी होता है, तो अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जितना तरह का मिल्क अवेलेबल है उन सब में इनका अमाउंट भी उतना ही रहे, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। वाटर का अमाउंट वेरी कर सकता है, जैसे काऊ का मिल्क होता है या बफेलो का मिल्क होता है या गोट का मिल्क होता है या कैमल का मिल्क होता है, सबका मिल्क जो है वेरी करता है, उसमें वाटर का कंटेंट, उसमें प्रोटीन का कंटेंट, उसमें फैट का कंटेंट वेरी करता है। बट अगर आप वाटर लेते हैं, कहीं का भी वाटर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई वाटर में हाइड्रोजन का तीन मॉलिक्यूल आ जाएगा या हाइड्रोजन का दो एटम आ जाएगा या ऑक्सीजन का तीन एटम आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप कहीं का भी वाटर लेंगे, इन दैट वाटर यू विल फाइंड टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए ये प्योर है। लेकिन ये प्योर नहीं है क्योंकि इसमें इनका परसेंटेज वैरी कर सकता है, इसमें कोई वेरिएशन का गुंजाइश नहीं है, ठीक है। जैसे हवा एयर, तो एयर में क्या है, एयर में आप जानते हैं कि बहुत तरह का गैसेस रहता है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, CO2 भी है, तो ये सब मिलके एयर बनता है, राइट, तो इसीलिए वो एक मिक्सचर कहलाता है, इम्प्योर चीज कहलाता है, ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक। इम्प्योर का मतलब है कि उसमें दो या दो से ज्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल से वो बना हुआ रहेगा, प्योर का मतलब है वो ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ रहेगा। प्योर जो होगा या तो एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड होगा। अब कंपाउंड क्या है? कंपाउंड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब जब एलिमेंट्स कंबाइन करता है तो वो कंपाउंड बनाता है। लेकिन कंबाइन करता है मतलब क्या, जैसे बस जोड़ देना नहीं होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन फिक्स्ड रेशियो, एक फिक्स्ड रेशियो में वो कंबाइन करता है केमिकली, मतलब वो केमिकली कंबाइन करेगा, ऐसा नहीं है कि जैसे मन तैसे वो जुड़ गया, ठीक है, जैसे मन तैसे जुड़ जाएगा वैसे नहीं होगा, एक फिक्स रेशियो रहेगा और क्या रहेगा, वो केमिकली कंबाइन करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, केमिकली कंबाइन करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसमें कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तब ये एक कंपाउंड बना, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऐसा नहीं है कि जिसमें इसमें कार्बन को कैल्शियम और ऑक्सीजन को हम लोग फिजिकली गम से चिपका दिए, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ये केमिकल रिएक्शन हुआ और वो केमिकली कंबाइंड होके ये बना, ठीक है। और इसमें जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बोल रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन तीन ही होगा, ये फिक्स्ड है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन फिक्स्ड रेशियो केमिकली, जब केमिकली लोग कंबाइन करता है एक फिक्स्ड रेशियो में, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको
उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड, राइट। बात समझ में आ गया, जब केमिकली कोई चीज कंबाइन करता है फिक्स रेशियो में तो वो कंपाउंड बनता है। जैसे मान लीजिए HCl या H2O है तो फिक्स है कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन ही रहेगा, ठीक है, वो रेशियो जो होगा वो फिक्स होता है, तब उसको कंपाउंड बोलते हैं। और इसको हम लोग ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को गर्म करेंगे और ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग अलग हो जाएगा, नहीं, इसमें अलग अलग करने के लिए हम लोग को कुछ केमिकल प्रोसेस है, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो गया है ना, या अदर केमिकल प्रोसेस है, उससे इसको अलग करना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस होता है मिक्सचर और कंपाउंड में, उसको भी हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। कंपाउंड में क्या होता है, वो केमिकली कंबाइन किया हुआ है फिक्स रेशियो में, लेकिन जैसे मिक्सचर, तो मिक्सचर में क्या होता है कि फिजिकली वो लोग कंबाइंड है, उसमें केमिकल जैसे कुछ नहीं है। जैसे मिक्सचर भी दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए, होमोजेनियस एंड हेटरोजेनियस। जैसे आप सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन मतलब सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, मान लीजिए सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट प्लस वाटर का जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं थोड़ा देर घोल लेने के बाद, उसमें पूरा जो ग्लास है उसमें सिर्फ लिक्विड ही दिखता है, उसमें और कुछ सॉलिड पार्टिकल दिखता है क्या? नहीं दिखता है, तो वो एक ट्रू सॉल्यूशन है। होमोजेनियस का मतलब होता है कि पूरा सॉल्यूशन सेम फेज में रहेगा, इसमें रहेगा सेम फेज में रहेगा। जो सॉल्ट है वो भी अब हमको दिख नहीं रहा है सॉलिड स्टेट में, या जो शुगर है वो भी हमको दिख नहीं रहा है सॉलिड स्टेट में, पूरा चीज हमको क्या दिख रहा है, पूरा चीज हमको अभी लिक्विड दिख रहा है, तो पूरा चीज जो है वो लिक्विड फेज में आ गया, पूरा चीज लिक्विड, एक ही फेज दिख रहा है बस लिक्विड। सो इसीलिए उसको हम लोग बोल रहे हैं सॉल्यूशन है या ट्रू सॉल्यूशन है, और वो होमोजेनियस है, एक जैसा दिख रहा है, ठीक है। बट हेटरोजीनियस में क्या होता है, हेटरोजीनियस में दो तरह का होता है, कोलाइड्स और सस्पेंशन, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट हेटरोजीनियस क्या होता है कि इसमें फेज सेम नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सैंड प्लस वाटर लेते हैं, सैंड प्लस वाटर लेते हैं, जब सैंड प्लस वाटर लेंगे तो सैंड अपना फेज मेंटेन रखा है, बालू उसमें आपको दिखेगा सॉलिड स्टेट में है, और जो वाटर है वो भी आपको दिखेगा लिक्विड स्टेट में है, दोनों अलग अलग स्टेट में ही आपको दिखेगा, दोनों आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो इसका मतलब वो जो है वो एक हेटरोजीनियस मिक्सचर के कैटेगरी में आता है, वो होमोजीनियस नहीं है। लेकिन जब नमक को या चीनी को पानी में हम लोग घोलते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें एक ही फेज दिखता है, अलग अलग आपको सेपरेट पता नहीं चलता है। ओके, समझ में आया यहां तक। ये एक बेसिक बात था, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटरोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर जो होता है उसमें हम लोग दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाते हैं, कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है और केमिकली उसमें कुछ नहीं होता। जैसे हम लोग क्या बोले, हम आप बालू ले लिए, छोटा छोटा कुछ गिट्टी ले लिए, छोटा और कोई तरह का पत्थर ले लिया, उसको मिला दिए तो एक मिक्सचर बन गया, उसमें कोई फिक्स रेशियो तो नहीं है, उसमें कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता है। इसलिए मिक्सचर को हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकली भी अलग अलग करके सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर जो है वो होमोजेनियस भी हो सकता है, मिक्सचर जो है वो हेटरोजेनियस भी हो सकता है। होमोजेनियस मतलब एक ही फेज में रहेगा पूरा चीज, होमोजेनियस हेटरोजेनियस का मतलब अलग अलग फेज में रहेगा, अलग अलग हम लोग को वो दिखेगा। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करना है और इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ना है। ओके, बात समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट फेज है इस चैप्टर का, पहले इस फर्स्ट फेज को समझिए, फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट फेज में जाएंगे।